सो गाइस, क्या आपको मालूम है कि इंडिया में नोट कहाँ कहाँ छपते हैं? मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में चार जगह नोट छपते हैं। फर्स्ट नंबर नासिक यानी कि महाराष्ट्र, सेकंड नंबर देवास यानी कि मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर मैसूर यानी कि कर्नाटक, फोर्थ नंबर सालबोनी यानी कि पश्चिम बंगाल। गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि शादी की अंगूठी लेफ्ट हैंड की तीसरी उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है? मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसी एकमात्र उंगली है जिसकी नस सीधे दिल से जुड़ी होती है। सो गाइस, जब कभी भी आप अपने फोटो को डॉक्यूमेंट्स बना के व्हाट्सएप पर सेंड करते हो तो आप यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिखता होगा, तो ये आखिर नंबर का मतलब क्या है? तो यहाँ पे आप फोटो देखोगे तो यहाँ पे ऊपर में आपको दिखेगा ये सीरियल नंबर। तो ये सीरियल नंबर दरअसल उस फोटो का सीरियल नंबर है जिस टाइम वो फोटो जनरेट हुआ है। जैसे इसमें आप टाइम देख सकते हो। तो सो गाइस, ये रेड वाला डॉक्यूमेंट्स आपको देख रहे हैं, तो ये सीरियल नंबर का सीधा सा मतलब है कि ये 2021 को पांचवा महीना में 23 तारीख को 11 घंटे 42 मिनट और 22 सेकंड में जनरेट किया गया है। तो इस डॉक्यूमेंट्स के सीरियल नंबर का यही मतलब होता है कि आपने फोटो को कब और किस टाइम को जनरेट किया है, वही आपको यहाँ पे दर्शाता है। सो गाइस, अगर आप मेमोरी कार्ड यानी कि एसडी कार्ड खरीदने के बारे में सोच रहे हो या खरीदना चाहते हो, तो मैं आपको मेमोरी कार्ड के बारे में दो टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप वो दोनों टिप्स को फॉलो करते हो तो आप एक बेहतरीन मेमोरी कार्ड बाय कर सकते हो, जिससे उस मेमोरी कार्ड से किसी भी तरीके का डेटा ट्रांसफर करोगे तो काफी हाई स्पीड मिलने वाला है, बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलने वाला है और आपका मेमोरी भी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो वो कौन बेस्ट दो ट्रिक्स है? तो फर्स्ट टिप्स है कि जब भी आप मेमोरी खरीदने जाए तो आप यहाँ पे चेक करें कि क्लास कौन सा है। तो क्लास आपको यहाँ पे लेटेस्ट में क्लास चल रहा है 10, तो आपको क्लास 10 लेना है। अगर आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा क्लास 10 या मेमोरी कार्ड पे यहाँ पे आपको 10 लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये क्लास 10 है क्या? तो ये क्लास 10 है। अगर आप क्लास 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं या 10 लेते हैं तो ये क्लास 10 का मतलब होता है एमपीपीएस। अगर आप क्लास 8 लेते हैं, अगर आप कोई भी फाइल ट्रांसफर करेंगे तो 8 एमबीपीएस के स्पीड से ट्रांसफर होगा। अगर आप क्लास 10 लेते हैं तो 10 एमबीपीएस की स्पीड से फाइल ट्रांसफर होगा। और जब कभी भी हम लोगों को कहीं जाना होता है और रास्ता मालूम नहीं होता है तो राइट डायरेक्शन के लिए अक्सर हम लोग जीपीएस का यूज करते हैं। क्या आपको मालूम है कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। सो गाइस, आज के जमाना में सिम कौन नहीं यूज करता है, लेकिन हम लोग सिम बोलते हैं, तो ये सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो गाइस, आपको काफी गंजापन आ रहा है, आपका काफी बाल झड़ रहा है, तो आपके शरीर में एक विटामिन की कमी से भी बाल झड़ सकता है। उस विटामिन का नाम है B7। इस विटामिन का टैबलेट आता है, आप टैबलेट खरीद के भी खा सकते हैं या इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट भी आप बाय करके अपने शरीर में विटामिन को हाई कर सकते हैं। सो गाइस, इंडिया में आपने कमांडो ट्रेनर बहुत सारे एक्सपर्ट के बारे में सुने होंगे, ये खूबी या वो खूबी, लेकिन यहाँ इंडिया में एक ही लेडीज कमांडो ट्रेनर है, उसका नाम है डॉक्टर सीमा राव। वो भी भारत की पहली और एकमात्र ऐसी लेडीज है जो कमांडो में ट्रेनर है। गाइस, आज मैं आपको कुछ फल के नाम बताने वाला हूँ और उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है वो बताने वाला हूँ, जिससे आपके शरीर में कोई भी विटामिन का कमी होगा तो उससे रिलेटेड आप फल खा सकते हैं। जैसे अगर आप आम और अमरूद खाते हैं तो दोनों में आपको विटामिन सी मिलेगा, और आपको अनानास और लीची में दोनों में आपको विटामिन बी मिलेगा, और आम और गाजर में आपको विटामिन ए मिलेगा। और अगर आप अंगूर खाते हैं तो आपको यहाँ पे दो विटामिन मिलने वाला है, सी और ई। और इसमें बात किया जाए कि कौन सा फल में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ, पपीता और गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। और आपको कौन सा फल खाना सबसे ज़्यादा पसंद है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरीके का हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जहाँ भी देख रहे हो उसे फॉलो जरूर करिएगा।